हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज योर थर्ड चैप्टर एडजेक्टिव्स। सो लेट मी टेल यू अबाउट फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो चलिए आज एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशंस है। डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होता है जो ज़्यादा और कुछ बताता है नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए लेट्स रीड द एग्जांपल हियर गिवन। आई बॉट सम डेकोरेशंस, अ बकेट ऑफ 5 रेड रोजेस एंड दैट पेन एट द मार्केट फॉर माय बर्थडे। सो व्हाट आइटम डिड यू लाइक बेस्ट? सो हाइलाइटेड वर्ड हियर डिस्क्राइब अबाउट द नाउन, मोर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन्स, लाइक सम, 5 रेड, that, so these belongs to the adjectives, okay? And now come to the kinds of adjectives. Like here example is given, above example, in above example, some is your quantity, red is your quality, my belongs to the possessive, and 5 belongs to the number, that belongs to the demonstrative, and what belongs to the interrogative. So these are the kinds of adjectives. Now come to the exercise. चलिए exercise पे आते हैं। Read this statement and write the highlighted adjectives in the correct column in the table that follows. तो आपको जो highlighted word हैं उसको जो बताने हैं कि ये किस kind से belong करते हैं adjectives के। So tall belong करता है आपका quality से। इसके बारे में मैं description में आपको next पेज पे बताऊंगी, जो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें गिवन है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, आपके बुक के कॉलम में गिवन है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ सी द सेकंड, दैट बिलोंग्स टू द डेमोंस्ट्रेटिव एंड माय बिलोंग्स टू द पोसेसिव एंड 4 सम बिलोंग्स टू द क्वांटिटी विच बिलोंग्स टू द इंटरोगेटिव एंड 6 फर्स्ट बिलोंग्स टू द नंबर। ये सभी आपको जो है कॉलम में, बुक में या बुक में ही आपको करनी है, ठीक है? नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। चलिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक्सप्लेन करती हूँ, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स उसी को एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ हियर फर्स्ट इज गिवन अबाउट द क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन, किसी चीज़ की क्वालिटी बताना, उसकी खूबियां बताना कि वो किस प्रकार का, ऑफ व्हाट काइंड। इफ यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑफ व्हाट काइंड, that means it belongs to the, yes, quality of adjective. वो belong करेगा quality of adjective से। जैसे आपका the green tiffin box is mine, तो आपका green बता रहा है adjective, लेकिन क्या quality है, what kind, किस प्रकार का green, प्रकार का what kind of green, so green is your quality. Now come to the next, quantity. Quantity means होता है मात्रा। If you will get the answer of how much, कि कितनी मात्रा उसकी, ठीक है? गिव अस एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, लाइक एग्जांपल, आई ड्रैंक ऑल द मिल्क, सो ऑल बिलोंग्स टू द क्वांटिटी, कितनी, हाउ मच, ऑल। नेक्स्ट इज डेमोंस्ट्रेटिव, टीएच फैमिली से बिलोंग करता है, रेफर्स टू द पर्टिकुलर नाउन दैट इंक्लूड्स दिस, दैट, दीज और दोज, टीएच फैमिली है, ठीक है? Example, I created that app myself. So that, जहाँ पर भी आपको this, that, these, those नज़र आ जाए वो demonstrative है. Next है possessive adjectives, जहाँ भी आपको my, your, his, her, our, their, its दिखे वो आपका possessive adjectives है. Possessive adjectives are used to indicate who or what owns something. They include my, your, his, her, are, there and its. Example, our cousin will visit us next week. So who will come in next week? Yes, our cousin. So our is your possessive adjectives. Okay, now come to the interrogative. When we ask a question, it belongs to the WH family. Just say, whose pencil box is this? So whose belongs to the interrogative adjectives. Now come next, number. Number we all know very well. If given in 1, 3, 2, 4, like example, okay, these belongs to the number of adjectives. Like example, Shubhra participated in 4 racing events this year, so 4 is your number. Now come to the exercise,
अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेज एंड स्टेट देयर काइंड्स टाइप्स. तो आपको टाइप्स भी बताने हैं, एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन भी करने हैं. सो टू एंड वाइट बिलोंग्स टू दी, टू बिलोंग्स टू दी नंबर एंड वाइट बिलोंग्स टू दी क्वालिटी. क्लियर. एल्डेस्ट बिलोंग्स टू दी नंबर, एल्डेस्ट बताया है तो ये जो है नंबर से बिलोंग करेगा. दोज बिलोंग्स टू दी डेमोन्स्ट्रेटिव एंड थ्री बिलोंग्स टू दी नंबर एंड इन फोर्थ सम बिलोंग्स टू दी क्वांटिटी एंड इन फिफ्थ ईच एंड सम, ईच बिलोंग्स टू दी डिस्ट्रीब्यूटिव बताया था मैंने आपको. डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें नहीं है गिवन, डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें ईच और एवरी आ जाता है. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स होता है आपका. और सम क्वांटिटी से बिलोंग करता है, सिक्स में सम क्वांटिटी से बिलोंग करता है. एंड डिलीशियस अबाउट द क्वालिटी, टेलिंग अबाउट द क्वालिटी एंड वेरी बिलोंग टू दी एंड ऑल्सो शेडी बिलोंग टू दी क्वालिटी. इन एट विच बिलोंग टू दी इंटेरोगेटिव. नाउ लेट्स मूव इन द ऑन द नेक्स्ट पेज. तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स. आपको सही एडजेक्टिव चूज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस विच वर्ड विल कम इन द फिलअप्स. सो शी पिक्ड द फर्स्ट ड्रेस शी सो. ठीक है, उसने वही ली जो उसने पहली बार ड्रेस जो देखी. नेक्स्ट इज विच ड्रेस विल यू वेयर टू नाइट. आज जो है, आज रात को कौन सी ड्रेस आप पहनोगे, तो विच. क्लियर. इन थर्ड सम, इन फोर्थ विच, इन फिफ्थ देयर एंड सिक्स दैट. बिलोंग्स टू द डेमोन्स्ट्रेटिव फैमिली, बट आपको जो है अप्लाई करके देखने दोनों में से कौन सा सूटेबल रहेगा. क्लियर, आपको मीनिंग उनका पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले. इन सेवन्थ हिज एंड इन एट वुडन, नाइन्थ में लास्ट है और टेंथ में आपका डीप है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स नंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें कार्डिनल, ऑर्डिनल, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव आते हैं. ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करती हूँ. डिस्ट्रीब्यूटिव मैं बता रही थी आपको अभी प्रीवियस पेज पर कि ईच और एवरी आता है, रेफर्स टू द ईच नंबर, ईच वन ऑफ अ नंबर. क्लियर. इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स डिनोट्स, डू नॉट एग्जैक्ट द, डू नॉट डिफाइन द एग्जैक्ट नंबर. ये जो है एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, मतलब जिससे इसमें मैनी आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा. और ऑर्डिनल नंबर में आपका आता है अ रैंक एंड ऑर्डर फॉर्म में, या फिर और पोजिशन जो बताते हैं, जैसे लास्ट है, फर्स्ट है. और कार्डिनल में आता है आपका एग्जैक्ट नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 20, 70. ठीक है, नाउ कम टू द, लेट्स मूव अ नेक्स्ट पेज. ये सी द सी पार्ट, यू हैव टू यूज हेयर ईच एंड एवरी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ओके, सो ईच विल कम इन द फर्स्ट एंड इन सेकेंड एवरी मिनट ऑफ द फिल्म. इन थर्ड एवरी वीक, इन फोर्थ एवरी डे, इन फिफ्थ ईच ऑफ द टू बॉयज, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द टू बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज. ओके, नाउ इन सिक्स ईच वी कैन राइट और ऑल्सो वी कैन राइट एवरी. नेक्स्ट इज हेयर डी पार्ट गिवन, यू हैव टू चूज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स. चलिए, फर्स्ट में आपका थर्ड आएगा, सेकेंड में आपका नीदर आएगा, फोर्थ में आपका इधर होगा, और थर्ड में एंड फोर्थ में थर्टीन, फिफ्थ में एवरी एंड देन आफ्टर ईच विल कम, एंड इन सिक्स मैनी एप्पल्स, मैनी एप्पल्स. ओके, एंड लास्ट में फ्यू एप्पल्स. नाउ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है, जब हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमें मिलते हैं सेंटेंस में अप्लाई करने के लिए, लाइक अगर हम जंबल वर्ड्स हमें मिल जाएं, एग्जाम में आ जाएं, तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे क्या रखना है एडजेक्टिव्स के वर्ड्स को, सेकंड पे क्या रखना है, थर्ड पे किसकी प्लेस होनी चाहिए. तो एक इसका जो है एक ऑर्डर होता है, जो एक सीक्वेंस होती है वो हमें फॉलो करनी होती है, कि सबसे पहले आपका इसमें फ्लो चार्ट में जैसे गिवन है, सबसे पहले आपका नंबर होना चाहिए. अगर गिवन है सेंटेंस में, इसमें 10 है, 13 है, 14 है, 1 है, 2 है, तो वो आपका नंबर में आएगा. ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका ओपिनियन. ओपिनियन में आप जो है प्रीटी, रफ, बैड, ब्यूटीफुल,
अगली इंटेलिजेंट एंड देन उसके बाद आता है आपका साइज. साइज में आपका आता है इनॉर्मस, टाइनी, और साइज में आप ह्यूज और मिनट भी आता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं साइज में. और एज के अंदर आपका एडोलसेंट आ गया, एज्ड आ गया, ओल्ड आ गया, यंग आ गया, ठीक है, एज की अगर हम बात करें. उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है शेप. अगर आपके सेंटेंस में शेप के वर्ड गिवन है, जैसे राउंड है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगलर है, क्लियर. देन उसके बाद आपको अगर गिवन है कलर, कलर आएगा आपका, ठीक है, जिसमें कि यू नो द कलर नेम्स वेरी वेल, रेड, येलो, ब्लू. और देन उसके बाद ओरिजिन और नेशनलिटी. इन इसमें आप इंडियन, स्पैनिश और जैसे इटालियन और अमेरिकन कुछ भी आप जो है आएगा तो ओरिजिन, बट इट शुड बी बिलोंग्स टू द ओरिजिन और नेशनलिटी. देन उसके बाद आप अप्लाई करेंगे अगर गिवन है आपके सेंटेंस में वर्ड अबाउट द मटेरियल, मटेरियल के बारे में वर्ड गिवन है, जैसे वेलवेट है, कॉटन है, जूट है, वूलन है, ये सभी मटेरियल में आ जाते हैं. पर्पस की बात करें तो उसमें आपका एकेडमिक होगा, इंडस्ट्रियल होगा, डोमेस्टिक होगा, स्पोर्ट्स होगा, ये सभी आपके पर्पस में आ जाएंगे. तो आपको ये ऑर्डर ऑफ जो है एडजेक्टिव रूल फॉलो करना होगा. देन उसके बाद आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा, जैसे दैट प्रीटी ग्रीन डायरी इज माइन, ठीक है. दिस इज द प्रॉपर ऑर्डर हाउ टू राइट द एडजेक्टिव वर्ड्स इन आवर सेंटेंस. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट पेज पे आपके सेंटेंस गिवन है. ई पार्ट में आपको एडजेक्टिव्स के कुछ नाउंस दिए गए हैं, कार, फिल्म, बुक, गेम, लैम्प, हाउस, बॉटल, कंट्री. आपको ये अपने आप से सेंटेंस बनाने हैं. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. जैसे कि नेक्स्ट पेज पर गिवन है 21 पेज पे, वी विल कंटिन्यू दैट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज एक्सरसाइज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ऑल्सो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय.